बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, सलामुअलैकुम। बज़्मे शेर व अदब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम जो पेपर्स का शेड्यूल है वो मुतासिर हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है। ये शेड्यूल दो फेज़ पर मबनी है। पहला फेज़ जो है वो ऑनलाइन पेपर्स के लिए है, जो कि मारूजी तर्ज पर होगा, और दूसरा फेज़ रवायती तर्ज के इम्तहान पर मुश्तमिल है, जिसमें इंशाइया तर्ज पेपर्स भी लिए जाएंगे। इसलिए तलबा और तालबात को दोनों तर्ज पर तैयारी जारी रखनी होगी। पहला फेज़ जो है उसका शेड्यूल कुछ यूं है। बीए बीएससी पार्ट टू 27 जुलाई से 25 अगस्त तक पेपर्स होंगे। एमए एमएससी बीकॉम ये पेपर्स जो हैं 7 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगे। अजीज़ तलबा, एक बात नोट कर लें, अगर 15 जुलाई तक जो है वो हालात नॉर्मल हो जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं, तो आप लोगों के पेपर्स रवायती तर्ज पर होंगे। अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता और लॉकडाउन मज़ीद एक्सटेंड होता है, तो फिर आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन होंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ मारूजी तर्ज होंगे। जो तलबा किसी भी वजह से ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकेंगे, वो यूनिवर्सिटी खुलने पर रवायती तर्ज पर जो है वो पेपर। दूसरा फेज़ जो है उसका शेड्यूल कुछ यूं होगा। बीए बीएससी पार्ट वन और एलएलबी पार्ट थ्री, इनके पेपर्स 1 अक्टूबर 2020 से ऑनवर्ड जो हैं वो होंगे। रवायती तर्ज पर ये पेपर्स मुश्तमिल होंगे। एमए एमएससी पार्ट वन और बीकॉम पार्ट वन, इनके 2 नवंबर से ऑनवर्ड पेपर्स होंगे। बीए बीएससी पार्ट टू 2 दिसंबर से ऑनवर्ड होंगे। एमए एमएससी और बीकॉम पार्ट टू, इनके पेपर्स 4 जनवरी से ऑनवर्ड होंगे। एमए एमएससी और बीकॉम पार्ट टू के पेपर्स 4 जनवरी से ऑनवर्ड होंगे। नोट फरमा लें कि ये दूसरा फेज़ होगा, दूसरा फेज़ जो है रवायती तर्ज के पेपर्स पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा जो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में हैं, वो भी नोट कर लें कि तमाम इलाहाकशुदा कॉलेजेस जो हैं उनके पेपर्स 11 अगस्त से अक्टूबर तक जो हैं वो चलेंगे। तमाम इलाहाकशुदा कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सेमेस्टर सिस्टम के तहत पेपर्स होंगे, जो 11 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलेंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको जो है वो आगाही मिल सके। आइंदा आने वाली वीडियोस में मज़ीद मालूमात आप लोगों को दी जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।